Good morning, students. How are you, Vida? I hope you all are well and you are learning and taking a good reading of the chapters which we have done after the half yearly exams. Okay, friends. So today we continue with our lesson 12, that is electricity and circuits. In the first lecture of this video, friends, we discussed about an electric cell and the electric bulb. हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा था. इट हैज टू टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मेटल कैप इज देयर, मेटेलिक बेस इज हेयर एंड इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज अ डिवाइस दैट गिव्स लाइट एनर्जी. कब देती है? वेन इट गेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो टूडे वी विल डिस्कस how to connect a cell, or you can say an electric cell, with an electric bulb. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है. एज यू नो द मेटल टिप पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक बल्ब. ये इनके दो टर्मिनल्स है, एक जो बेस पर टर्मिनल होता है और एक इधर साइड में टॉप पर जो टर्मिनल है. सो हमने क्या हम सेल को कैसे कनेक्ट करें ताकि जो बल्ब है इट विल ग्लो. ओके, सो दैट द बल्ब ग्लोज. हाउ टू कनेक्ट? ओके, सो व्हाट वी डू, वी टेक अ वायर. ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वायर्स हम जिन्हें बोलते हैं. वी टेक अ वायर और सबसे पहले हम इसको एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, से या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड देन वी कनेक्ट दिस वायर टू वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बल्ब. चाहे आप इस टर्मिनल से कनेक्ट करें चाहे यहां से करें, दैट डजंट मैटर. Now we take another wire and connect it with its negative terminal, with the negative terminal of the cell, and then we connect this wire to another terminal of the cell. जब हम ये setup रखते हैं then the bulb will glow. But if you will connect both the wires with the same terminal, the bulb will not glow. Okay? So how to connect a cell with an electric bulb? इसको हम एक्टिविटी से भी समझेंगे. ओके, एक्टिविटी टू इज गिवन. नाउ जस्ट सी एक्टिविटी टू. ये स्टूडेंट्स, नाउ सी इन एक्टिविटी टू हमने क्या लिया है. वी हैव टेकन अ सेल एंड देन वी हैव टेकन टू वायर्स. उनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया है. सिमिलरली एज यू सी इन द मॉडल ऑल्सो, आप देख सकते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल. ये इलेक्ट्रिक सेल है एंड ऑल्सो वी हैव कनेक्टेड इट्स टू टर्मिनल. जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, लाइक सी दिस इज द मेटल डिस्क, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड ये जो मेटल कैप है हमारे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. तो हमने इसके दोनों टर्मिनल से वायर को इस तरह से कनेक्ट किया है. ओके, आप देखिए ये जो स्टूडेंट्स, इनकी वायर के जो बेयर एंड्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारी प्लास्टिक कवरिंग नहीं है. यहां से हम प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर देते हैं तो वी कैन कनेक्ट एनी डिवाइस विद दिस इलेक्ट्रिकल वायर. ये जो वायर्स हैं, हम कॉपर की वायर होती है बिकॉज स्टूडेंट्स द कॉपर वायर्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो भी पढ़ेंगे हम, व्हाट आर कंडक्टर्स. तो अपने थ्रू ये करंट पास करती हैं एंड जो इलेक्ट्रिकल सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, अगर हम इन वायर्स के एंड से इनको कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली द डिवाइस विल गेट एनर्जी टू वर्क. ओके, सी स्टूडेंट, नाउ यू विल सी अ बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन फिगर नंबर 12.4. एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द टू वायर्स आर कनेक्टेड विद इट्स टू टर्मिनल्स. ओके, द टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब, दे आर कनेक्टेड विद दिस टर्मिनल और इनके टर्मिनल्स को हमने बाहर से दो वायर्स के साथ कनेक्ट किया है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ बल्ब. सी क्लोजली, आप देखेंगे यहां पर दीज आर द टू थिक वायर. ये वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन. ये टू थिक वायर्स हैं स्टूडेंट्स, जिनके साथ मैंने वायर्स को कनेक्ट किया है. आप ये देखेंगे दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स. ये जो रेड कलर की वायर है और इधर येलो कलर की वायर है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनके साथ हमने इन्हें कनेक्ट किया है. फर्स्ट यहां से, देन ये सेकेंड वन एंड देन मैंने इन दोनों ही वायर्स को स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिक सेल से देखे कनेक्ट किया है. कैन यू सी? ओके, देखिए ध्यान से आप देखेंगे स्टूडेंट्स,
दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है. और दूसरे सेल में अगर आप देखेंगे, इधर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है. नाउ व्हेन विल द बल्ब ग्लो, बल्ब कब ग्लो करता है स्टूडेंट्स, जब हम अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्शन में लाते हैं. हेयर आई हैव टेकन टू सेल्स, यू कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सेल. ओके, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बल्ब है वो कितनी पावर का है, हाउ मच पावर इट विल नीड टू ग्लो. ओके, आप देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैं इन दोनों को, देखिए दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करती हूँ आपस में, यू विल सी द बल्ब ग्लोस. कैन यू सी, सी अभी मैं इनको सेपरेट करती हूँ, देन आई जस्ट क्लोज इट. आई होप यू कैन सी. ओके, सी स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व द लाइट. ओके, आप फील कर सकते हैं लाइट को मेरे हैंड पर. नाउ देयर इज नो लाइट. अब मैं इनको दोबारा जैसे ही कनेक्ट करूंगी, यू विल सी द लाइट. नाउ देयर इज नो लाइट. सो नाउ हाउ यू विल जॉइन अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, बल्ब के एक टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे, और उस उन दोनों वायर्स को सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे. ओके, वन विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर वन विद नेगेटिव टर्मिनल. यहां हमने देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है. डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, अगर सिंगल आप सेल लेते हैं, ओके, वो क्योंकि बल्ब जो होना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तो आपने बेसिकली एक सेल के दोनों टर्मिनल्स को, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स को बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के साथ सेपरेटली कनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू ग्लो दैट बल्ब. अगेन आई एम शोइंग यू दैट जैसे ही मैं इन दोनों सेल्स के, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती हूँ, सी द बल्ब विल ग्लो. ओके, द बल्ब विल ग्लो. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. सिमिलरली स्टूडेंट्स, नाउ सी इन फिगर नंबर 12.5 हमें कुछ अरेंजमेंट्स दिए गए हैं और वहां हम देखेंगे वेदर द बल्ब विल ग्लो और इट विल नॉट ग्लो. सी हेयर वी हैव टेकन सेल और द वायर्स आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, बिल्कुल परफेक्ट है एंड यू कैन सी द बल्ब इज ग्लोइंग. ओके, सो हेयर द बल्ब विल ग्लो. नाउ सी इन दिस अरेंजमेंट, अभी आप देख सकते हैं कि इस टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किया गया टर्मिनल. ओके, अनदर टर्मिनल इज हेयर बट देयर इज स्पेस बिटवीन हेयर. आप देख सकते हैं स्पेस बिटवीन दीज टू वायर, दीज टू वायर्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. यहां कनेक्टेड है बट यहां पर नहीं है, तो बल्ब विल ग्लो? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो. ओके, नाउ इन दिस अनदर फिगर वी विल सी दैट, आपको देखिए स्टूडेंट, सेल को यहां से कनेक्ट किया गया है, सिमिलरली यहां पे वायर्स दोनों कनेक्ट हैं, बट ये बीच में फिर स्पेस है, कनेक्टिविटी पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. नाउ हियर हमारे पास सेल है, बट सेल के जो इधर से टर्मिनल है यहां से कनेक्ट नहीं किया, इन्होंने क्या किया, दोनों टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक सेल के सेम टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. क्या इस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर सकता है? हमारा आंसर होगा नो. नाउ सी, अब इन्होंने यही कंडीशन, इसी कंडीशन को दोबारा से स्टूडेंट्स रिपीट किया है. अगेन रिपीटेशन इज देयर, बट इस दिस टाइम यहां पहले पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टिविटी नहीं थी, यहां पर अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टिविटी नहीं है. दोनों वायर्स को उन्होंने, बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है. तो इज दिस राइट? नो, इन दिस कंडीशन ऑल्सो बल्ब विल नॉट ग्लो. आप देखिए इन दिस फिगर, बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स इस फिगर को, आप आपके बुक में भी दिया हुआ है ये. यहां पर क्या किया इन्होंने, सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी वायर को इन्होंने सेल के बेस वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया, सॉरी बल्ब के बेस वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और सेल के जो इनका नेगेटिव टर्मिनल है उसको इन्होंने बल्ब के ऊपर वाले जो टॉप वाला टर्मिनल है वहां से कनेक्टिविटी की है. तो बल्ब विल ग्लो, आंसर इज येस, क्योंकि हमारा जो है
वो सेल के जो है अपोजिट टर्मिनल्स गिवन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट बल्ब में हमारे टर्मिनल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, देयर इज नो डिफरेंस। आप चाहे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, चाहे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट। बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उनके हमने दोनों टर्मिनल्स को सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ सेपरेटली ज्वाइन करना है। ओके तो जहां पर भी ये डिपेंड, ये इसका कोई भी पर्पस नहीं है कि हमने बल्ब के कौन से टर्मिनल को नेगेटिव से करना है या कौन से टर्मिनल को पॉजिटिव से करना है। ओनली द मेन थिंग इज दैट द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ओके स्टूडेंट, सो इन फर्स्ट एंड लास्ट सिचुएशन द बल्ब विल ग्लो। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके सी स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा ये जो हमने इस तरह से वायर का फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर दिखाया है, इससे हम बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दीज आर द वायर्स, एंड ये जो हमारा है वन इज बिगर लाइन, टॉलर लाइन है, और एक स्मॉलर लाइन है। इसके थ्रू हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके सो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ओके बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल कंप्लीट है। जो सर्किट में कहीं पर भी आप देख सकते हैं बीच में ब्रेक नहीं है। जैसा अभी अभी हमने एक्टिविटी में देखा, आपने 6 प्रेजेंटेशन देखी थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन और लास्ट प्रेजेंटेशन में, क्योंकि सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है और दोनों टर्मिनल्स को, सेल के दोनों ही टर्मिनल्स को बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट, जो सर्किट है वो कंप्लीट है, दैट इज व्हाई द बल्ब इज ग्लोइंग। और एनी डिवाइस, इफ सर्किट इज कंप्लीट देन द डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन दैट सर्किट इट विल ग्लो। ओके सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। नाउ स्टूडेंट सी ऑन पेज नंबर 119 द डेफिनेशन इज गिवन। सी दिस इज द टॉपिक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हियर द डेफिनेशन इज गिवन। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. देखिए electric cell के जो हमने ये present किया friends, one with the longer line and smaller line, so ये positive और negative terminals है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो positive terminal से लेकर जो current flow कर रहा है to the negative terminal of the cell, this path of flowing of current from positive terminal to the negative terminal, जहां पे दोनों terminals connect हो जाते हैं, that is called an electric circuit. And the bulb glows only when current flows through the circuit. Bulb सिर्फ तभी glow करेगा जब current जो है circuit के through flow करेगा. Okay? So in an electric circuit, the direction of current is taken to be from the पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। हियर यू सी दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट करता है टू द नेगेटिव टर्मिनल। एंड व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बिकॉज यहाँ पर जो करंट पास कर रहा है स्टूडेंट, वो बल्ब के फिलामेंट के थ्रू भी पास करेगा, एंड द This makes the bulb glow. इस वजह से जो वो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। Sometimes an electric bulb does not glow. क्यों नहीं ग्लो करता है friends? आपको याद है मैंने एक सिचुएशन बताई थी कि बल्ब इज कॉल्ड अ फ्यूज्ड बल्ब, अगर उसका फिलामेंट जो है वो ब्रेक है, उस सिचुएशन में बल्ब क्या कहलाता है? फ्यूज्ड बल्ब। तो आप देखेंगे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन? अगर बल्ब के फिलामेंट में friends कहीं पर भी ब्रेकेज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, इफ द फिलामेंट ब्रेक, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
जो करंट यहाँ से फ्लो करके जा रहा है वो यहीं तक पहुंचेगा, आगे वो पास नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी, क्योंकि वहां कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं. सो द सर्किट विल बिकम इनकम्प्लीट. कैसा सर्किट बन जाएगा? वो इनकम्प्लीट बन जाएगा. कम्प्लीट सर्किट विल चेंज इनटू इनकम्प्लीट सर्किट अगर हम बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो जाता है और फिलामेंट जो है वो ब्रेक कर जाता है. सो दैट विल मेक द सर्किट इनकम्प्लीट एंड दैट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक. सो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज ये एक्टिविटीज जो है हमने की है, बहुत छोटी सी एक्टिविटीज है, ये समझ आई हो और आप जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर कर पाएंगे. ओके, थैंक यू एंड प्लीज टेक गुड रीडिंग ऑफ द चैप्टर्स.